अभी हम लोग गोलमर्ग होटल के चेकआउट के लिए जा रहे हैं। अभी होटल का बिल पे करके हम लोग निकल जाएंगे। अभी हम लोगों का चेकआउट हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, होटल पार्क गोलमर्ग। बाय बाय, अब हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग। बाय बाय गुलमर्ग। और अभी हमारा जो गाइड है राहुल जी लेके जा रहे हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग रीच होने में ऑलमोस्ट 4 आवर्स लग जाएगा। गुलमर्ग का अच्छा और स्वीट मेमोरी लेके जा रहे हैं सोनमर्ग। अभी हम लोग सोनमर्ग में एंट्री कर रहे हैं और ये सोनमर्ग सी लेवल से 8950 मीटर ऊपर में है। अभी हम लोग पहुंच गए सोनमर्ग होटल ग्लेशियर में। इस होटल का टैगलाइन बहुत ही अच्छा है, इसमें लिखा है स्टे विथ अस फील लाइक होम। ये किसी भी होटल में मैं अभी तक नहीं देखा, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। अभी जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ और आप लोगों को दे रहे हैं हमारा रूम टूर। हमारा रूम का नंबर है 107। ये है वॉशरूम, बेसिन है, एक गीजर है, शावर है, टॉवल वगैरह और नॉर्मल जो जो रहता है, और कोमोड और पीक्यूडप के सोफे, शैम्पू है, बस इतना ही है। हमारे रूम में एक बड़ा वाला टीवी है। ये है सामान रखने वाला स्पेस, हैंगर, बड़ा सा एक ग्लास और ये है हमारा बेड। ठीक ठाक ही है, क्लीन है। और इसमें एक कम्बल वगैरह भी है। इधर में एक सेंटर टेबल है, पानी का बोतल है, चेयर है और खिड़की से नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस इतना ही है रूम टूर। अब हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग जीरो पॉइंट। सोनमर्ग मार्केट है ना, ये हमारा गाइड अमित साहब। अब हम लोग जीरो पॉइंट लेके जा रहे हैं, देखते हैं। मैं भी इधर पहली बार आया हूँ। ऊपर का पर्वत देखिए कितना साफ है, कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है सोने का महल जैसा। और विंटर में जब बर्फ रहता है तब इधर में जब सनलाइट गिरता है तो वो सोने जैसा ही लगता है। ये वाला बहुत ही सुंदर है, नाइस। लद्दाख करके ले द्रास के रोड, फिर आगे से जाके मनाली हो जाए। अच्छा, और ऑल्टरनेटिव तो कोई रोड वगैरह है नहीं?
जीरो पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा? जीरो पॉइंट जाने में लगभग एक घंटा लगेगा। एक घंटे से कम ही लगेगा अगर ट्रैफिक जाम कहीं पे ना हो। अच्छा, ट्रैफिक जाम हो तो टोटल। मुझे पहलगाम से भी सोनमर्ग अच्छा लगा। अच्छा हाँ, व्यू देखिए कितना मस्त व्यू है। कहाँ आगे जैसा नाम ऐसा ही व्यू है। सोनमर्ग सोनमर्ग ही है। मुझे तो कश्मीर में सबसे अच्छा स्पॉट यही लगे। व्यू के नजरे से देखिए तो वाओ, वेरी नाइस। कहाँ दिखाओ, कैमरा तो दो तीन लगाना पड़ेगा, फिर भी तो ये नहीं आएगा रियली। अमरनाथ का रास्ता, वो सीधा जो दिख रहा है वो वाला, इस रूट से अमरनाथ स्टार्ट होता है। जम्मू में इधर में रोड का काम चल रहा है। गाइड साहब और कैमरामैन हमारा, हम लोगों को फोटो खींचेगा। तो ये है मेरी वाइफ, देखिए नज़ारा देखिए बहुत ही अच्छा है। मैं जा रहा हूँ जीरो पॉइंट की तरफ, बहुत ऊंचाई में है, बहुत दूर है, टाइम नहीं मिलेगा, ठंड भी लग गई है, इसलिए भागते भागते जा रहा हूँ। बहुत मज़ा भी आ रहा है।
उस तरफ लद्दाख दिख रहा है, उधर लद्दाख है, मेरे गला से आवाज़ नहीं निकल रही। सी लेवल से देखिए इधर और बर्फ, वो सब जो दिख रहा है वो से बहुत दूर है। देखता हूँ, चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठंडी भी लग रही है। देखिए नजारा, नजारा देखिए, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा नहीं बहुत थक गया। देखिए मैं सी लेवल से कितना ऊपर उठ गया, अभी रोड से बहुत ही ऊपर हुआ अभी। देखिए बर्फ का पिघला हुआ पानी, पानी का शोर हो जा रहा है। देखिए देखिए क्या अच्छा है, धीरे पानी का बर्फ का पिघला हुआ पानी कितनी शोर है। देखिए ओ ये बहुत आज बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर जा रहे थोड़ा, एकदम ठंडा पानी, मैं तो पूरा जम रहा हूँ। ये देखिए पानी, ये देखिए आगे हमें घर में, देखिए पूरा बर्फ है, पूरा बर्फ जो आप देखेंगे पूरा ही बर्फ। देखिए बर्फ पास आ गया हमें, ये रहा बर्फ, ये देखिए अब हम जा रहे हैं। देखिए पूरा बर्फ, ये बर्फ का पानी देखिए, पानी का फ्लो देखिए, देखिए बस आप धीरे धीरे हम नीचे नीचे जा रहे हैं। ओके ये बर्फ पकड़ते पकड़ते नीचे जा रहे हैं। ओके और आज के वीडियो यही ख़त्म करते हैं, यही तक है हाँ। 0.1 सोनमार्ग नीचे से 12,000 फीट पर हमें, और लेट्स रॉक गाइस, नाम उनके कुछ भी नहीं है, 12,000 फीट पर है हम बस, अब धीरे धीरे जा रहे हैं। टाटा बाय।